नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर के बारे में जिन्हें मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम था और अपनी दानवीरता के लिए वो इतिहास में अमर है, और वो है दानवीर भामाशाह। भामाशाह का जन्म राजस्थान के मेवाड़ में 29 अप्रैल 1547 को हुआ था। वो बचपन से ही मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार रहे। हल्दीघाटी के युद्ध में हारने वाले महाराणा प्रताप अपना अस्तित्व बनाए रखने के प्रयास में निराश होकर अपने परिवार के साथ पहाड़ियों में छिपते भटक रहे थे। तब भामाशाह के सहयोग ने महाराणा प्रताप को संघर्ष के लिए एक नई दिशा दी और मेवाड़ को आत्मसम्मान भी दिया। भामाशाह ने तब अपनी सारी जमा पूंजी महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी थी। कहा जाता है कि भामाशाह ने अपनी निजी संपत्ति में से इतना धन दान किया कि उससे 25,000 सैनिकों का 12 सालों तक निर्वाह हो सके। जी हाँ दोस्तों, 25,000 सैनिक 12 साल तक खा सके, उतना धन ये दानवीर ने महाराणा प्रताप को दान किया था, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप में एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ और उन्होंने फिर से सैन्य शक्ति संगठित की और मुगलों को हराकर फिर से मेवाड़ का राज्य प्राप्त कर लिया। दोस्तों, मुगलों को हराकर मेवाड़ जीत लिया, उसके पीछे लोग महाराणा प्रताप की ही जय जयकार करेंगे। बेशक महाराणा प्रताप की सूझबूझ और संगठन शक्ति ने मुगलों को हरा दिया, लेकिन उस संगठन शक्ति और उत्साह के पीछे भामाशाह का हाथ था। दोस्तों, सिर्फ लड़ने वाले ही वीर नहीं कहलाते, बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम और दानशीलता की वजह से लड़ने वाले का टूटा हुआ मनोबल फिर से जोड़कर उनमें नया उत्साह जगाने वाले भामाशाह जैसे दानवीर भी एक योद्धा ही कहलाते हैं। उस वक्त हमें अंग्रेजों से नहीं, मुगलों से लड़ना था। भामाशाह खुद नहीं लड़ रहे थे, लेकिन लड़ने वाले महाराणा प्रताप को इतना उत्साह और सहयोग दिया कि अपनी मातृभूमि जिता दी। ऐसी विरल ईमानदारी और स्वामी भक्ति भामाशाह की तीन पीढ़ियों ने महाराणा प्रताप की तीन पीढ़ियों के साथ कायम रखी। ऐसे स्वदेश धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाले और देशभक्त के रूप में अमर होने वाले दानवीर भामाशाह के लिए दो पंक्तियां कही गई है। वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला। दोस्तों, ऐसे देशभक्त भामाशाह को क्रांतिकारी सेना की ओर से सत सत नमन। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी को लेकर। जय हिंद, जय भारत।